दोस्तों कल की 2898 AD का Day 2 का मैं आपको बॉक्स वाइज कलेक्शन बताने वाला हूँ। कल रात को मैंने नहीं बनाया था वीडियो क्योंकि डाटा एग्जैक्ट नहीं आ पाया था, लेकिन आज एग्जैक्ट डाटा है। सुबह सुबह के टाइम में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आपको डे बाई डे का बताने वाला हूँ बॉक्स वाइज कलेक्शन, और लैंग्वेज वाइज भी बताने वाला हूँ, और बुक माई शो पे कितना मूवी का ये रेटिंग चल रहा है ये भी बताऊँगा, और सबसे बड़ी बात इसका टिकट कितना सोल्ड हो चुका है पिछले 1 घंटे में बुक माई शो पे, यही मैं आपको बताने वाला हूँ, और इसका कितना जो सीट है वो हाउसफुल चल रहा है ये भी मैं आपको दिखाऊँगा बुक माई शो पे कहाँ कहाँ पे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो ये होने वाला है। दोस्तों आपको पता होगा प्रभास का जो स्टारडम था वो बूस्ट हुआ था राजामौली की बाहुबली मूवी से, और फिर उनका जो स्टारडम गिरा था साहू, और फिर उसके बाद राधे श्याम, फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा गिरा आदि पुरुष से। तो आदि पुरुष के गिरने के बाद कुछ वो सल्लार से कम बैक की, और पूरा का पूरा ये कल की मूवी से वो कम बैक कर रही है, क्योंकि प्रभास का जो स्टारडम है इन दिनों जब ये कल की मूवी रिलीज हुई है सर चढ़ कर बोल रहा है, और ये मूवी हिस्टोरिकल मूवी है। और हैंड्स ऑफ सबसे बड़ा बात नाग अश्विन को, क्योंकि उन्होंने ऐसा मूवी बनाया और डायरेक्ट किया। ये मूवी बिल्कुल भी आदि पुरुष की जैसी नहीं है कि हमारे हिंदू धर्म को मजाक बनाया गया, एक चमगादड़ पेश किया गया रावण को, एक चमगादड़ में मतलब दिखाया गया रावण मांस खा रहा, ये सब चीज़ दिखाया गया, लेकिन ये मूवी जो है कल की, जो हमारे हिंदू ग्रंथ में कल की जो कलयुग है इसे ख़त्म करने के लिए कल के अवतार जो श्री कृष्ण भगवान लेने वाले हैं वो 5 लाख साल के बाद लेने वाले हैं आज से, और वो अभी दिखाया गया है जो कि प्योर है, बहुत अच्छा दिखाया गया। मैंने मूवी देखा, आई एम श्योर कि आपने मूवी देखा होगा, आपको भी ऐसी लगी होगी आदि पुरुष और इसमें आसमान जमीन का फर्क, इसीलिए प्रभास का स्टारडम आजकल बूस्ट है और मतलब सर चढ़ कर बोल रहा है। आपको पता होगा शाम 5-6 बजे के बीच एक पोस्टर जारी की थी नाग अश्विन ने ऑफिशियल अपने यूट्यूब चैनल से, विजयनाथन के यूट्यूब चैनल से, वहाँ से पोस्ट किए थे 191 करोड़ पॉइंट कुछ लाख था वो, मैं आपको यहाँ दे दूंगा पोस्टर, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों ये Day 1 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था, लेकिन Day 2 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अभी नहीं आया, ये भी शाम तक आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका Day 2 का कितना कलेक्शन हुआ था। Day 2 में इसका जो टोटल कलेक्शन था 54 करोड़ था, जिसमें तमिल का 25 करोड़ 65 लाख, तेलुगु का 3 करोड़ 5 लाख, हिंदी का 22 करोड़ 5 लाख, और कनाडा का 35 लाख और मलयालम का 2 करोड़। ये 4-5 लैंग्वेज का मैंने आपको बॉक्स बताया लैंग्वेज वाइज कितना कलेक्शन हुआ है, लेकिन टोटल जो है 54 करोड़ Day 2 में कलेक्शन हुआ है, और Day 1 में 95.3 करोड़ कलेक्शन हुआ था, और मैंने आपको बताया था ये भी डाटा। लेकिन इसी के साथ इसका जो टोटल कलेक्शन हो जाता है Day 2 तक का 149.3 करोड़, और जिसमें से तेलुगु का सबसे ज़्यादा 91.45 लाख इसका तेलुगु का ज़्यादा, क्योंकि तेलुगु में ये मूवी बनी थी, तेलुगु डायरेक्टर भी थे, तेलुगु स्टार कास्ट भी था सब, तो इसीलिए तेलुगु में ज़्यादा कलेक्शन इसका। तमिल में 8 करोड़ हुआ था और हिंदी में 45 करोड़ Day 2 का। तो ये मैं आपको बताया टोटल कलेक्शन इसका कितना हुआ है Day 2 तक का, और लैंग्वेज वाइज मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों आइए बात करते हैं बुक माई शो पे इस मूवी का क्या रेटिंग चल रहा है। दोस्तों इस मूवी का बुक माई शो पे 9.3 का रेटिंग चल रहा है अभी के डेट में, मैं ये करेंट आपको डाटा बता रहा हूँ, 9.3 का इसका रेटिंग चल रहा है, और इसका जो टिकट है पिछले 1 घंटे में बिक चुके हैं, 30,000 के करीब टिकट बिक चुके हैं पिछले 1 घंटे में, आप देख सकते हैं डाटा चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा क्रेज है पब्लिक में, और इसका कहीं भी टिकट फूला नहीं है, सभी जगह टिकट फूल है, आप देख सकते हैं सभी शो फूल है, सुबह का शाम का सभी जगह का शो फूल है। तो आप अगर इसका टिकट लेने जा रहे हैं तो बहुत मुश्किल से टिकट मिल सकता है, ऐसा इसमें दिखाया जा रहा है बुक माई शो। तो दोस्तों ये मैंने आपको डाटा बताया बुक माई शो का, और Day 2 का मैंने आपको टोटल कलेक्शन बताया, हिंदी तमिल तेलुगु सारा लैंग्वेज का मैंने आपको बताया, और फिर टोटल कलेक्शन हुआ Day 2 तक का उसमें भी सारा लैंग्वेज का बताया किसका कितना ज़्यादा कलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप इस मूवी को देखें हैं तो बताइएगा कि ये मूवी कैसी है, और अपना कमेंट मुझे करके बताइएगा कि आप नहीं देखे मूवी तो मूवी कब देखने जा रहे हैं। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक से कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।